दोस्तों पंजाब विच मुगल शासन काल हर एग्जाम विच दो या तीन क्वेश्चन बनते हैं, पक्का बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पहले थोड़ी जी थ्योरी पढ़ांगे, उस तो बाद थोड़े जी एमसीक्यू कवर करांगे। जेड़ा भी सिस्टम होंगे पेपर विच मुगल शासन काल का, जेडे भी क्वेश्चन पुट हो सारे थोड़े एक वीडियो में ही कवरअप हो जाएंगे। हूँ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी ना चैनल में सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक कर लो, तो एक प्यारा जहा कमेंट कर दो। तो स्टार्टिंग आप कितों करते, थोड़ी जी थ्योरी कर लेने ताजो क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है वह तो समझने विच ईजी हो जाए। ठीक है, तो सब तो पहला गल करिए, पंजाब भारत का पहला इलाका से जो बाबर ने जीता से, बाबर कौन से, हूँ एग्जाम क्वेश्चन बनता बाबर कौन से, मुगल काल का पहला शासक से, पहला राजा से जिसने भारत पर हमला किया, भारत के कि इलाके हमला किया, पंजाब पर। ओके, एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, तो करके ये राइट डाउन जरूर करो, सिर्फ वीडियो में देखो ना। ठीक है, की किया बाबर ने, पंजाब पर हमला कर दिता तो जित लिया। तो उस टाइम की सी लाहौर से जोड़ा वो भी पंजाब के अंडर ही, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही है ना। तो लाहौर नू 1585 तो लैके 1598 तक, 1598 तक कि अकबर के अधीन शाही हेठ रही। ठीक है, बाबर तो जीत के पंजाब नू अकाल चलना कर गया। ठीक है, उस बाद अकबर ने की रखा, यह एग्जाम पूछा जाता करके मैं नोट किया हुआ इस पॉइंट, यह इंपोर्टेंट है कि अकबर के टाइम के दौरान कि शाही सीट सी। ठीक है, वो याद रखो सी लाहौर की जी शाही सीट सी अकबर के काल के दौरान। इस तो बाद 1712 ईस्वी में आगरा और दिल्ली नू भी, जिमें जिमें आगरा और दिल्ली बिहेव करता से है ना अकबर, आगरा और दिल्ली जिमें अपनी राजधानी समझता से उमें ही वह लाहौर में, लाहौर में भी समझन लग गया। कहने का भाव है अकबर के टाइम के दौरान आगरा, दिल्ली और लाहौर यह तीन इंपोर्टेंट प्लेस से जितों ये अपना पूरा जिहड़ा मुगल साम्राज्य का काम की देख रेख करता से। ठीक है, इस तो बाद 1526 ईस्वी बाबर के हथों इब्राहिम लोधी की हार हो गई, मतलब कि पहला कि सी पंजाब से, मतलब भारत से इब्राहिम लोधी का कब्जा से। उस तो बाद मुगल वंश आया जिसका राजा कौन सी, बाबर से। ठीक है, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिता, तो पंजाब मुगलों का कब्जा हो गया। सिंपल जी गल है, इतों तक समझ से आ गई तो वीडियो में यस लिख के कमेंट कर दिया करो। देखो दोस्तों एक रिक्वेस्ट होंगी है, वीडियो में लाइक तो कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत नाल सारा मटीरियल तुहाडे सामने प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग भी तो यह जो स्लाइड बनाने विच, पंजाबी विच कन्वर्ट करके स्लाइड बनाने विच काफ़ी टाइम वेस्ट होंगे है, तुसीं लाइक तो कमेंट तो कर ही सकते हो, रिक्वेस्ट है लाइक एंड कमेंट जरूर कराया करो। तो इस तो बाद बाबर का पंजाब अते उत्तरी भारत पहला मुगल शासक बन गया, पंजाब के नाल नाल उत्तरी भारती के इलाके भी बाबर ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इस तो बाद पंजाब विच मुगल शासन की शुरुआत के दौरान इस समय गुरु नानक देव जी का जन्म होया। यह पॉइंट याद रखो, एग्जाम विच बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी दे टाइम दौरान किसका राज से भारत विच या पंजाब विच, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो याद रखो मुगल शासन से जो तो गुरु नानक देव जी का जन्म होया सी। अते इस तो इलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि शेर शाह सूरी के समय दौरान किसदा कि गुरु जीवित सन, तो गुरु नानक देव जी का टाइम से जोड़ा वो मुगल शासन बाबर तो लैके शेर शाह सूरी के शासन तक रहा से। ठीक है, इस तो बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मौत हो गई, तो उसका पुत्र हुमायूं मुगल का नवा राजा बनया। ठीक है, यह पूछा जाता है कि बाबर का पुत्र कौन सी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बाबर के बेटे का नाम की, हुमायूं याद रखियो, ज एग्जाम घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता हुमायूं के पिता का नाम की, बाबर हुमायूं के पिता का नाम से। ठीक है, पर 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं तो सत्ता खो ली, मतलब कि जिहड़ा हुमायूं राज मिले सी बाबर तो, उसने की किया धोखेधड़ी नाल शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं तो यह खो लिया राजपाठ। ठीक है, पर इस तो बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अपना साम्राज्य से जोड़ा मुड़ हासिल कर लिया, मुड़ क्योंकि वापिस जित लिया किस तो, शेर शाह सूरी तो वह वापिस जित लिया से। ठीक है, इस तो बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं का पुत्र अकबर मुगल का राजा बनया। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अकबर का पिता कौन सी, हुमायूं का पुत्र कौन सी। ठीक है, याद रखियो अकबर का पिता हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर से। इस तो बाद सिख धर्म का विकास गुरु अमरदास
गुरु रामदास से गुरु अर्जन देव जी द्वारा अकबर के शासन दौरान किया गया। हुण इत्थे पॉइंट याद रखने वाली है कि अकबर के शासन काल दौरान किहड़े किहड़े गुरु समकालीन से। ठीक है, तो याद रखो गुरु अमरदास जी ने भी अपना टाइम काल जिहड़ा गुजारिया अकबर के दौरान, तो गुरु अमरदास जी ने भी गुजारिया, तो गुरु अर्जन देव जी ने। अकबर से यह सिखा के प्रति सिख धर्म के प्रति काफ़ी चंकी विचारधारा रखता से, तो करके इसने कदे भी गुरुआ नहीं किया कि तुसी अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। इस तो अलावा अकबर का शासन से देखो उस टाइम पंजाब तो एक तरह का राजा से अकबर, है ना, उसकी आज्ञा तो बिना कोई भी नवा शहर नहीं बनवा सकता सी। अकबर ने की किया सिख धर्म लिए अमृतसर शहर के निर्माण वास्ते मंजूरी दे दी थी कि हाँ भाई तुसी अपने धर्म प्रति जो भी बनवाना चाहो अमृतसर बनवा सकते हो, तो अमृतसर शहर की स्थापना करने ने इन्हों आज्ञा दे दी थी। ठीक है, इस तो बाद अकबर की मौत तो बाद जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगलों का नवा शासक बनया। यह काफ़ी कट्टर किस्म का राजा से, मतलब सिखों के अगेंस्ट से, यह सिख धर्म के अगेंस्ट से, तो इसने की किया गुरु अर्जन देव जी ने गिरफ्तार कर लिया से अते ज्योति जोत समवा दिता से। ठीक है, मतलब शहीद कर दिता से। हुण इत्थे पॉइंट याद रखो गुरु अर्जन देव जी दे या जहांगीर जी दे जहांगीर दे समकालीन कौन से, गुरु अर्जन देव जी से। ठीक है, याद रखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम विच, तां करके मैं यह नोट करवा रहा। इस तो बाद की हुंदा, ये की हो गया वेट। हाँ, इस तो बाद गल करिए आप 1627 ईस्वी में जहांगीर की भी मौत हो जाती है, तो शाहजहां नवा मुगल बादशाह बन जाता। शाहजहां एक बदकिस्मती लगा लो, उसका ही पुत्र है जिहड़ा औरंगजेब है, शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब, उसनों गद्दी तो हटा के कैद कर लेंदा है, तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब खुद राजा बन के मुगलों का राजा बन के बैठ जाता है। तो जिहड़ा इसका फादर से औरंगजेब का फादर कौन सी, जहांगीर से, सॉरी शाहजहां से। शाहजहां यह जेल भेज दिंदा है, तो सारी उसकी सारी जिंदगी बाकी दी जेल दी कोठड़ी विच गुजरती है। ठीक है, इस तो बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम कबूलन की अपील की, मतलब ऑर्डर दिते गुरु तेग बहादुर जी ने। इतने पॉइंट की क्लीयर होंगे, गुरु तेग बहादुर जी किस दे समकालीन से, औरंगजेब के समकालीन से। ठीक है, तो गुरु जी ने इनकार कर दिता, 11 नवंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक विखे सिर कलम कर दिता, जिथे शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। ठीक है, हुण की इत्थे दो क्वेश्चन कवरअप होंगे ने, एक तो होंगे कि औरंगजेब के समकालीन कौन सन, किहड़े गुरु सन, गुरु तेग बहादुर जी, एक होंगे है कि गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी शहीदी सी उह कदों हुई सी, 11 नवंबर 1675 ईस्वी में, ते कित्थे हुई सी, चांदनी चौक विखे। ठीक है, इस तो बाद 1699 ईस्वी में खालसे की सृजना तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मुगलों नाल बहुत सारी लड़ाइया करनिया पी। ठीक है, इत्थे पॉइंट क्लीयर हुंदा है कि 1699 ईस्वी में खालसे की खोज हुई सी, मतलब सृजना हुई सी। हुण मैनूं वीडियो में कमेंट करके दस दो कि खालसे की सृजना किहड़े शहर में की गई सी, पंजाब के किहड़े शहर में की गई सी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस तुहानूं सिख धर्म के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा दी है, जे तुसीं ध्यान नाल देखी है तां तुहानूं पक्का याद होवेगी कि खालसे की सृजना 1699 ईस्वी में किहड़ी जगह पर की गई सी। ओके, कमेंट जरूर करो। इस तो बाद कुछ नहीं हुंदा, 1704 ईस्वी में चमकौर की लड़ाई औरंगजेब और गुरु गोबिंद सिंह के बीचकार हुई सी, जो कि काफ़ी याद रखने योग जंग सी, मतलब कि काफ़ी हिस्ट्री के तौर पर काफ़ी फेमस चमकौर की लड़ाई यह मनी गई है। ठीक है, इस तो बाद 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब की मौत कदों होंगी है, याद रखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट हो जाता है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हो जाती है। उस तो बाद जिहड़े भी नवे मुगल राजा बनते हैं, जिवें कि बहादुर शाह, फुरकसियार, मुहम्मद शाह वर्गे, ये सारे कमजोर शासक से, जिन्हां दे कारण है कि मुगल साम्राज खत्म होंदा गया। इस तो बाद कि सिख धर्म की उसारी जोरों शोरों नाल हो जाती है। तो इस तो बाद नैक्सट पॉइंट हिस्टरी विच की आता है, सिख धर्म की उत्पत्ति। ओके, हुण आपां पंजाब विच मुगलों के राज संबंधी कुछ एम सी क्यू कवर कर लें।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟ 44 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ 44 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ। ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 1585 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1598 ਤੱਕ ਡੈਸ਼ ਖੇਤਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੇਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ? ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਝਕੇ ਬਾਬਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਝਕੇ ਬਾਬਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਖਨਾਖਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਫਰ ਖਾਨ। ਤੁਝਕੇ ਬਾਬਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਤੁਝਕੇ ਬਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਖਨਾ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।